ओके सर, थैंक यू, मिलते हैं। अभी होगा फ्यूल अप सबकी बाइक्स में। हाँ, चेन दिखाई नहीं रहा ना मेरे को, चेन बंद कर। अबे पास आओ। गुवाहाटी स्टेशन से निकल चुके हैं। जय बजरंगबली की, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग टोटल 8 राइडर्स हैं। सबकी बाइक्स प्रॉपर लोड हो गई हैं। अब पेट्रोल पंप में कहीं पेट्रोल डला लें, उसके बाद बॉडी का फ्यूल, कुछ खाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 के 8 राइडर आ चुके हैं। तो भाई लोग, यहाँ पेट्रोल का रेट 87 है और कटनी जबलपुर में है 100। टैंक फुल हो रहा है। तो गाइस, पेट्रोल डल गया है और हम लोग निकल चुके हैं गुवाहाटी से दिरांग की तरफ। पर अभी कहीं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के पहले पेट पूजा करनी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी गुवाहाटी से बाहर आ गए हम लोग, पर यूसुफ भाईजान ने कहीं गाड़ी रोकी नहीं कि कहीं पे पेट पूजा हो सके। भूख बहुत लगी है और पता नहीं भाईजान कहाँ रोकेंगे गाड़ी। ये डांस देखो इसका, क्या डांस कर रहा है, क्या वे चिंटुकले। ओए नस चढ़ गई, नस चढ़ गई, नस चढ़ गई, मेरे पैर की नस चढ़ गई। अरे भैया नस चढ़ गई। तो ये आ गए हम दूसरी जगह। यहाँ आर्मी वाले भी हैं। क्या गुरु, खाना खिलाना भूल गए थे क्या? नहीं यार, हम क्या सोचे थे। कैसा लग रहा है गुरु, शहर निकल जाते उसके बाद जो आग आग का। अरे लग कैसा रहा है, कहाँ हो आप? आसाम में है, आसाम में। परसों कटनी में थे, पता है ना। क्यों लल्ला, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग, मैं हूं तरविज और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई लोग, अभी तक की कहानी आप लोगों को पता चली गई होगी पिछले ब्लॉग देख के, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोग आए हैं नॉर्थ ईस्ट राइड पे। हम टोटल 8 राइडर्स हैं और अभी हैं हम गुवाहाटी में। कटनी से गुवाहाटी हम बाय ट्रेन आए हैं और यहाँ से हमारी जर्नी हो रही है स्टार्ट। ये खड़ी है हमारी बाइक्स, 3 ये हैं और 4 वो खड़ी हैं और एक बाइक है ये। तो आज हमारी राइड का डे 1 है। आज हम गुवाहाटी से जाएंगे दिरांग, दिरांग पहुँचेंगे हम शाम तक। वहाँ पे हमारी आज की राइड होगी ख़त्म। अभी हम लोग फ़िलहाल एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन अब ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं रहा तो यहाँ करेंगे लंच और यहाँ से फिर से हमारी जर्नी होगी स्टार्ट। ये खड़ी है मेरी बाइक हस्क्वर्ना, सिर्फ यही एक बाइक है जो सबसे कम सीसी की है बेचारी, बाकी सारी डोमिनार हैं।
एक हिमालयन है और एक वहाँ ड्यूक 390 है। और एक बात गाइज, साइना ग्रुप की तरफ से माननीय संजय पाठक जी और यश पाठक जी द्वारा हमारी ये ट्रिप स्पॉन्सर की गई है और उन्होंने काफ़ी कुछ हमारी हेल्प की, बहुत मदद की। तो सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। अच्छा, कौन सा चैनल पर डालोगे? शूटर विजय करके मेरा एक चैनल है। अच्छा, उस पर ये अपलोड होगा वीडियो। शूटर विजय, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, ये हमारे आसाम के पहले सब्सक्राइबर बन गए हैं और इनका होटल का मैंने आपको सामने से व्यू दिखाया है। अगर आप लोग यहाँ आते हो तो यहाँ पे आइए, अच्छा खाना मिलेगा आप लोगों को, अच्छी सर्विस है। आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कम्स रेस्टोरेंट। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं दिरांग के लिए। तो भाई लोग, अभी हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि किसी की भी बाइक में चेन लूप नहीं हुआ था, तो चेन लूप यहां से लिया है और सबकी गाड़ियों में चेन लूप हो रहा है। चल 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 निकल गया, निकल गया। सब बढ़िया। अरे अब भी तो निकले हैं। ये हो गई मेरी बाइक कंप्लीट, इस पे भी चेन लूप हो गया है। भाईजान कहाँ पे अभी अपन? पता नहीं, बच्चा बच्चा बताएगा। ये कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, क्या ये? सिंगीमारी, सिंगीमारी। 50। तो मेरा गोप्रो हो चुका है पागल, इसको मैं वॉइस कमांड दे रहा हूँ, ये चल ही नहीं रहा। और बाइक चलाते समय ग्लव्स की वजह से मैं इसको ऑन ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है गलत रास्ते में घुस गए। हाँ, ये देखो छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो गाड़ियां दबी हैं, भाईजान कवर करवा रहे हैं, एक टी ब्रेक की ज़रूरत है, कॉफ़ी ब्रेक। अब वो पता नहीं कहाँ होता है। कहाँ, कितना दूर? 55। फ्यूल कराना है। इस बाइक में यही प्रॉब्लम है, इसका फ्यूल टैंक है 9 लीटर का, तो इसको बहुत जल्दी जल्दी फ्यूल कराना पड़ता है। हाँ भैया, जर्नी फिर से स्टार्ट।
शुरू हो गया है कहीं कहीं पे, रेस्ट चाहिए रेस्ट, या तो फिर खड़े होके गाड़ी चलाना पड़ेगा। हेलो ताइक्वांडो मास्टर, क्या खेलते हो तुम? ताइक्वांडो? अभी थोड़ा सा अंधेरा है। ये जो गेट आप देख रहे हो, इस गेट के इस तरफ जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये जगह है आसाम में, और इस गेट को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाओगे अरुणाचल में। तो मैं आपको एक मिनट के अंदर यहाँ से अरुणाचल पहुंचा सकता हूँ। ये मैं भालुकपोंग आसाम से आ गया अरुणाचल में, और ये वापस से गेट के साइड से हम पहुंच गए वापस से आसाम। ये अर्पित अभी खड़ा है आसाम में। अर्पित कितने जल्दी जल्दी आप अरुणाचल पहुंच सकते हो? 2 सेकंड पहुंच के बताओ। इसको बैग में डालो। और ये अर्पित पहुंच गया अरुणाचल में। ये है भाई, ये जो शॉप है ये है आसाम में, और ये बॉर्डर क्रॉस करते ही अरुणाचल की शॉप है। बाइक्स को अरुणाचल में एंट्री नहीं और हमारी बाइक्स को अभी अरुणाचल में एंट्री नहीं मिल रही है। हमें जाना था आज दिरांग, पर हम लेट हो गए और पासेज नहीं मिल पाए। तो अभी यहाँ से हमें लेना है होटल, तो होटल ढूंढते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो भाई लोग, पासेस मिल चुके हैं हम लोगों को कल के दिरांग के, और ये हम आसाम से पहुंच गए अरुणाचल। यहाँ पे हमने कर लिया है होटल, आज यहाँ रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल निकलेंगे सुबह सुबह। तो भाई लोग यहाँ देखो, यहाँ पूरा इन्हें फैला रखा है, खाना वाना हो गया है, और ये सब सबके लगेज रखे हुए हैं। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, पैकिंग करनी है, कॉपी पेस्ट करना है डेटा। वैसे हम लोग को आज जाना था दिरांग, लेकिन हम लोग लेट हो गए और उसकी वजह से हमें पासेज नहीं मिल पाए। मैं एक्चुअली ये वॉशरूम के सामने बना रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि लाइट यहाँ अच्छी आ रही है। हाँ, तो हम लोग को जाना था दिरांग। दिरांग पहुंचने के लिए हम लोगों को भालुकपोंग ना भाईजान, भालुकपोंग से लेने थे पासेस, लेकिन उसमें हम लोग लेट हो गए। तो आज हम लोग भालुकपोंग में स्टे कर रहे हैं, कि सुबह सुबह जल्दी उठना है, जल्दी निकलना है, ताकि हम लोग टाइम से पहुंच पाएँ। तो इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट डे वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।